हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2.2 ऑफ NBHM MSC 2014 एग्जाम। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करें, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लॉगरिदम लो, तो लॉगरिदम ऑफ वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट एन स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी लॉगरिदम ऑफ इस पूरी क्वांटिटी का लॉग, यानी कि 1+1/n मल्टीप्लाई बाय 1+2/n और मल्टीप्लाई बाय 1+n/n और इस पूरे की पावर हम लगाएंगे 1/n। तो आप जानते हो फ्रेंड्स की लॉगरिदम की प्रॉपर्टी से इस 1/n को मैं आगे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस वाले 1/n को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो फ्रेंड्स की लॉगरिदम ऑफ एक्स की पावर 2, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्वाइस लॉग एक्स, बस वही प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी है। अब लॉग ए इंटू बी इंटू सी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। तो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n लॉगरिदम ऑफ 1+1/n प्लस मैं एडिशन करते हुए लॉगरिदम ऑफ 1+n/n तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अब उसके बाद मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखता हूँ, तो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ लॉगरिदम ऑफ 1+r/n, जहाँ पर आपका r जो है फ्रेंड्स 1 से लेकर n तक रन करेगा, क्योंकि जब आप r की वैल्यू 1 रख दोगे तो आपको लॉगरिदम ऑफ 1+1/n मिल जाएगा, 2 रख दोगे तो लॉगरिदम ऑफ 1+2/n मिल जाएगा, और जब आप r की वैल्यू n रख दोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज करने के लिए क्या करना होता है, देखो आप r by n को x से रिप्लेस करते हो, ठीक है, तो यहां पर जो r by n है वो x से रिप्लेस हो जाएगा, और फ्रेंड्स आपका जो ये वाला साइन है, आपका जो ये साइन है फ्रेंड्स समेशन वाला, ये इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और जो 1/n है उसको हम dx लिख देते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लॉगरिदम ऑफ 1+x, ये इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। अब इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, देखो लोअर लिमिट निकालेंगे लिमिट n स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी, जो आपका यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, r इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 लिखूंगा और मैं 1 को n से डिवाइड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट कैसे निकालूंगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है n, तो इस बार 1 की जगह मैं n लिख दूंगा और नीचे डिनोमिनेटर तो हमेशा यही रहेगा आपका, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार 1, तो आप देख सकते हो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी 1, तो आपके लिए जो लॉगरिदम ऑफ y की वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी। अब देखो, अब ये तो हमारा सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। देखो फ्रेंड्स, 0 to 1 इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, लॉगरिदम ऑफ 1+x का, ठीक है, तो मैं इसको 1 into log(1+x) लिख रहा हूँ, ठीक है। आप फ्रेंड्स आईलेट फार्मूला जानते हो, आईलेट मतलब कि आप फर्स्ट फंक्शन किसे दोगे, सेकंड फंक्शन किसे दोगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदम, एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो फ्रेंड्स लॉगरिदमिक फंक्शन है ये, और वन क्या है मेरा, एल्जेब्रिक फंक्शन, तो मैं फर्स्ट दूंगा लॉगरिदमिक को क्योंकि ये पहले आ रहा है, और सेकंड दूंगा मैं 1 को, ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट को एज इट इज रखो, तो लॉगरिदम ऑफ 1+x, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और आपको लास्ट में लिमिट लगानी है 0 से लेकर 1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो 1/1+x, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो और सेकंड को क्या करो इंटीग्रेट, तो सेकंड को इंटीग्रेट किया तो x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, और जो आपको लिमिट्स लगानी है फ्रेंड्स वो आप लगाओगे 0 से लेकर 1 तक। तो ये हमारी जो वैल्यू है फ्रेंड्स, ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, लॉगरिदम ऑफ वाई के इक्वल। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉगरिदम ऑफ 1+1 2, ठीक है, तो log 2 माइनस एक्स को 0 रखते ये 0 हो जाएगा, ठीक है, log 2 माइनस। अब मुझे इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स, मैं 1+x को t के इक्वल रख रहा हूँ, ठीक है, जब आप 1+x को t के इक्वल रखोगे तो dx dt के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन इस बार किसका होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी t-1, ठीक है, 1+x क्या हो जाएगा मेरा t, ठीक है,
और डी एक्स को तो मैंने क्या रख दिया, डी टी, ठीक है, और 1 प्लस एक्स टी है तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इस बार 1, क्योंकि 1 प्लस 0 1, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 मतलब 2। अब जब आप टी से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 बाय टी, और 1 माइनस 1 बाय टी का इंटीग्रेशन तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। देखो 1 माइनस 1 बाय टी का इंटीग्रेशन होगा टी माइनस लॉगरिथम ऑफ टी, और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो 1 से लेकर 2 है, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, और पहले आपको लॉगरिथम ऑफ 2 तो मिला हुआ है, अब आपको क्या माइनस करना है, जब आप टी की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 माइनस लॉग 2, ठीक है, जब आप टी की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू तो हमें पता है 0 होती है। अब जब आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log 2 माइनस 1 प्लस का log 2, ठीक है, log 2 में log 2 जब आप ऐड करोगे तो आपको 2 log 2 मिल जाएगा, ठीक है, और जो आपके लिए फ्रेंड्स जो 2 log 2 है उसको आप क्या लिख सकते हो, आप उसको log 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो log 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब आप देखो फ्रेंड्स, आपको जो log y की वैल्यू है वो किसके इक्वल मिल रही है, लॉगरिदम ऑफ 4 माइनस 1, ठीक है। अब जो ये हमारा लॉगरिदम है इसका बेस e है फ्रेंड्स, ठीक है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस e, और यहाँ पर भी e लिख दूँ तो log a माइनस log b क्या होता है, लॉगरिदम ऑफ a अपॉन b, तो इसको मैं लॉगरिदम ऑफ 4 बाई ई लिख सकता हूँ, तो जो मेरा लॉग वाई है वो लॉगरिदम ऑफ 4 बाई ई के इक्वल है, तो मेरा जो वाई है फ्रेंड्स वो 4 बाई ई के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 4 बाई ई हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।